अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, ये कच्चा बेसन है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 250 ग्राम हमने दही लिया है, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने 1/2 किलो टमाटर लिए थे, उसमें 5 हरी मिर्चों के साथ उबाल कर पेस्ट बना लिया है। आइए अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। आधा अदरक लहसुन हम इसमें मैरिनेशन के लिए डालेंगे, बाकी का बचा हुआ हम प्योरी में डालेंगे। चार टीस्पून हमने इसमें दही डाला है। अब बेसन भी डाल लेते हैं। हाफ हम इसमें नमक डालेंगे जो हमने इंग्रेडिएंट्स में रखे थे, 1/2 लाल मिर्च पाउडर, 1/2 गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। आप चाहें तो इसे पहले से मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, अगर आपको जल्दी बनाना है तो इंस्टेंट मैरिनेट करके भी बना सकते हैं। हमने अपना तेल गरम करने रखा हुआ है, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब हम चिकन फ्राई करना शुरू करते हैं। गोश्त को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इसके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इस पे जो लगा हुआ बेसन है मैरिनेशन का वो छूट जाता है, इसलिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं। अभी हमारे चिकन हाफ डन हो चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। हमने बड़ी कढ़ाई का यूज़ इसलिए किया है ताकि ये जो गोश्त है वो अच्छे से इसमें पक जाए, ज़्यादा छोटा बर्तन होगा तो अच्छे से नहीं पक पाएगा। आइए अब हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 1 भगोने में तेल डाला हुआ है, ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें हम अदरक लहसुन डालते हैं। ये जो हमने मैरिनेशन से अदरक लहसुन बचाया था उसी अदरक लहसुन को हमने इसमें डाला है।
इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारा अदरक लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्योरी डालते हैं। बाकी जो हमारे बचे हुए मसाले थे वो भी इसमें ही जाएंगे। लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, दही डालेंगे हम यहाँ पर। दही डालने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छे से चलाते रहिए। यहाँ पर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब हमारी प्योरी में उबाल आना शुरू हो गया है। हमने 5 से 7 हरी मिर्ची ली थी, उनको कट कर लिया है। अब हम उनको इसमें डाल देते हैं। प्योरी को हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर हमने चिकन को दोबारा से फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। अब ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। चिकन को अच्छे से चला चला कर फ्राई कीजिए। चारों तरफ से अच्छे से फ्राई होना चाहिए। हमारा चिकन तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारी ग्रेवी यहाँ पर पक गई थी। अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। हमने वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। एक्स्ट्रा ऑयल को हमने इससे निकाल लिया है। हाई फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए इस ग्रेवी को हम भूनेंगे। इसके भुनने के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे।
15 से 20 मिनट पकने के बाद अब हमारी ग्रेवी पे ऑयल आ गया है, ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। अब हमने अपने चिकन को इसमें डाल दिया है, इसको 5 से 10 मिनट तक चलाकर पकाएंगे। पाँच से 10 मिनट पकने के बाद हमारे चिकन पे ऑयल सेपरेट होने लगा है। हमारा चिकन पककर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा रिच, बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने इसे अफगानी नान के साथ सर्व किया है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर जाकर बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें।